ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जिस दिए में आप बत्ती जलाते हो और जब बत्ती पूरी जल चुकी हुई हो, उसकी राख या उसका काला सा भाग, थोड़ा रुई पूरी न जलकर कुछ बच जाती है, और फिर आपने उस बची हुई बत्ती को हटाया नहीं, फिर उसमें दूसरी बत्ती रखकर दीपक जला दिया भगवान के सामने, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि ऐसा दीपक लक्ष्मी को समाप्त कर देता है, धन का आवागमन ही बंद कर देता है, धीरे धीरे घर में दरिद्रता आ जाती है। या फिर मान लो दी के अंदर कोई बत्ती जल गई, फिर उसमें राख पड़ी हुई है, या आप गोल बत्ती जलाते हैं उसका थोड़ा सा भाग काला सा बच जाता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि उसी दीपक में दूसरी बत्ती रखकर शाम का दीपक भी भगवान के सामने जला देते हैं। आप सुबह की आती दानी को दीपक साबुन से साफ न कर यदि ऐसे ही दोबारा शाम को भी या दूसरे दिन बत्ती जला देते हैं, तो आपका अगर व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या घर में रखा रुपया पैसा धन होगा, तो 15 दिन के अंदर ही अंदर आपका व्यापार, आपका व्यवसाय धन छीड़ होने लग जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारा व्यवसाय तो 8 दिन अच्छा चलता है और 8 दिन में पता नहीं क्या हो जाता है, वो बंद होने की नौबत आ जाती है। तो यही कारण है कि सुबह के दीपक को साफ ना करके शाम को उसी दीपक में दोबारा बत्ती जला देने से धीरे धीरे लक्ष्मी माता की जगह अलक्ष्मी निवास करने लग जाती हैं। ऐसा शिव पुराण की कथा कहती है। हर हर महादेव।